स्टार्टेड, दिखेगा। चल देखो रे बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मुन्ना सबसे पहले ध्यान दे देना। अपना जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, 3 घंटे पेपर में आपने लिखना है। इसमें टॉपिक कौन कौन से बता दो जरा मुझे एक बार फटाफट से। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। हाय हाय हाय। उसके बाद दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर इनको अलग दिखा रहा हूँ, और अकाउंटिंग प्रोसेस में ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अलग दिखा रहा हूँ। ना प्लीज ध्यान देना, जो बच्चे बोलते ना कि सर पढ़ाई कैसे मैनेज करना है, मुन्ना बेटा वो मैंने पीडीएफ फाइल भी लाई हुई है, वो पीडीएफ फाइल से आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक सिंगल पेज की है तो मैं डायरेक्ट लिखवा करके दे रहा हूँ, और आपको क्लियर कट हर चीज़ का समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, हर चीज़ कैसे प्रैक्टिस करना है, थ्योरी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितना टाइम आपको लगना चाहिए कौन से टॉपिक के लिए, बराबर है, और आपने डेली कितना समय देना है वो एक बार बता देता हूँ। एज इट इज़ फॉलो करना। आप काफ़ी समय तक बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल के बच्चे फॉलो करते हैं, फाउंडेशन लेवल के फॉलो कर रहे हैं, 11th 12th के बच्चे फॉलो करते हैं, सेम तरीका है, बस ध्यान रखना कैसे करना है, तो है ना। एमना इधर ध्यान दे दो। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल और लेजर को अलग दिखाया मैंने, और रेक्टिफिकेशन को अलग दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये आप लोगों का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इसके बाद में थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ रहे हो कि आपकी नॉन स्टॉप लिख रहे हो, कंटिन्यू में लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वेंट्री है, देन डेप्रिसिएशन टॉपिक है, देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, देन कंसाइनमेंट है, देन एवरेज ड्यू डेट है, देन अकाउंट करंट है, देन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है। प्लीज ध्यान देना बेटा, लिख रहे हैं सब लोग। देन उसके बाद आप लोगों का फाइनल अकाउंट है, देन एनपीओ, देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन अलग टॉपिक है, मैं अलग ट्रीट कर रहा हूँ उसको, गुडविल अलग ट्रीट कर रहा हूँ, एडमिशन को अलग ट्रीट कर रहा हूँ, रिटायरमेंट और डेथ को एक साथ ले रहा हूँ, रिटायरमेंट डेथ काफ़ी हद तक सेम ही है, दोनों कैसे पार्टनर जा ही रहे ना, एक जा रहा है और एक बस ऐसे ही जा रहा है। देन कंपनी अकाउंट्स में डिबेंचर्स है ना आप लोगों को, देखो शेयर्स अलग और डिबेंचर्स अलग, ये लिख लिया सभी ने। मैं अकाउंट्स का प्लानिंग आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के प्लानिंग के लिए आपको उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव फैकल्टी से एक बार बात करना होगा, है ना। अकाउंट्स में आपको मैं टाइमिंग भी लिख के देता हूँ, कितना समय लगना चाहिए कौन से टॉपिक को। दिख रहा है कि रेपर, ठीक है। लिखो फटाफट से लिखो बेटा। आपके रजिस्टर के एक पेज पे लिख लेना अच्छे से, उसमें आपको मैं सारी चीजें आगे लिखवा करके दे रहा हूं कि कैसे क्या करना है, कौन से टॉपिक के लिए कितना टाइम लगेगा। राइट साइड में जगह है ना आपके बुक में,
राइट साइड में जगह है ना, ये यहां पे जगह है ना राइट साइड में, लिखा बेटा। ये कमिंग संडे आ रहे हो सब लोग 9 बजे? क्या डिसाइड हुआ था, 9 या 9:30? 9:30 कमिंग संडे मॉर्निंग, 9:30 से इवनिंग 8:30। इसमें किसी की बस का भी कोई इशू नहीं, कहीं का कोई इशू नहीं, सब प्रॉपर रहेगा एकदम, ठीक है। 9:30 से 8:30 इस संडे को इतिहास रचेंगे हम लोग नॉन स्टॉप। क्या बोले? मैं आज तक कब एक्सटेंड किया लेक्चर, मैं समय से 10 मिनट पहले छोड़ता हूँ। वही है ना, वही बोल रहे हैं ना, अलग है। ठीक है देख लेता हूँ, कमिंग संडे को रील भी बना लेंगे अपन, है ना, पीछे एकदम ग्राउंड में जाके। खाली रहता है संडे के दिन वैसे भी। अरे पीछे ब्रेज, ये बिल्डिंग के अंदर में पीछे है जो पार्किंग एरिया है, कौन सा? हाँ ऊपर। मैं एक रुक जा, संडे को मेरा एग्जीक्यूटिव का रखा है क्या, मैंने मतलब मेरे बाकी टीम का है क्या, मेरे को एक बार देखने तो दो। संडे है ना कमिंग संडे, हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं होगा तो ऊपर कर लेंगे। ओके तुम्हारी क्लास है, टेंशन मत लो। हाँ ऊपर ही रख लेंगे, सिर्फ ऊपर कोई क्लास मैंने रखा है क्या, देखना देखने दो एक बार। कमिंग संडे को ऊपर अगर क्लास होगा, अभी सब लोग पूरे सब लोग रांची गए थे ना अभी मीटअप के लिए, तो इस संडे कोई क्लास था? जनरली हर संडे क्लास रहता है, जनरली हर संडे क्लास रहता है। इस संडे क्लास अगर नहीं रहा तो ऊपर मैं बोल दूंगा आपको मैसेज, बच्चे ज्यादा रहे तो ऊपर, बच्चे कम रहे तो नीचे, बच्चे मीडियम रहे तो सेकंड फ्लोर पे। डॉन डॉन डॉन, तुमने ऊपर वाला देखा ना, मेरा सेकंड फ्लोर का क्लास मैंने उससे भी बढ़िया बना के रखे हुआ है, मैंने सेकंड फ्लोर का भी अच्छा बनाया। ऊपर के सबसे ज्यादा पैसे पर ऊपर के क्लास में लग गया यार, पूरा मतलब कंगाल हो गया मैं ऊपर का क्लास बनाते बनाते, भयंकर पैसा लगा। मैं कपड़े नहीं खरीद पा रहा हूं मेरे लिए उस क्लास के कारण। हाँ क्या बोले? हाँ चलो लिखा बेटे सभी ने, और ध्यान देना ये मारामारी मत करो रे। चलो देखो बेटा, ये आपका जो थेरियोटिकल फ्रेमवर्क टॉपिक है ना, इसके अंदर में जितने भी सब यूनिट है आपके, टोटल 8 से 9 सब यूनिट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मेजरमेंट डिसिप्लिन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, याद आ रहा है कि सभी को? इसके अंदर में आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस है, प्रिंसिपल्स है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, सारी चीजें इसमें दी है। इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज किस बात करते वो नहीं दिया हुआ है, ये थेरियोटिकल फ्रेमवर्क है आप लोगों का सिर्फ, राइट। तो इस थेरियोटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर में आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के थेरी क्वेश्चन आते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। प्लस ये टॉपिक पूरा करने के लिए आपको कितना समय लगना चाहिए मालूम है क्या? एक बार अगर आपका अच्छा, मैं जो भी यहाँ पे समय लिख रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ पे समय लिख रहा हूँ कि आपको इतना समय लगना चाहिए ये टॉपिक के लिए, वो समय कब का है मालूम है क्या? आप लोगों का एक बार तो भी क्लास हुआ रहना चाहिए, या तो रेगुलर या तो रिवीजन। आपने रेगुलर या रिवीजन अगर एक बार तो भी पढ़ा होगा, तो उसके बाद में एक बार आपने क्लास के अंदर में वो लेक्चर अटेंड किए तो उसके बाद का टाइम है। कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और जीवन में पहली बार उसने मॉड्यूल ओपन किया, तो ये टाइमिंग उसके लिए नहीं है। ये टाइमिंग किसके लिए? अगर किसी ने रिवीजन बैच भी अटेंड किया या किसी ने रेगुलर बैच भी अटेंड किया, बट एक बार क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके बाद जब वो खुद से होके घर पे पढ़ेगा ना, तो ये वो वाला टाइम है। ये इस टॉपिक के लिए आपको लगने चाहिए करीब करीब 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे, एक बार आपका क्लास होने के बाद, एक बार आपका क्लास होने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी थ्योरी है। भले ही वेटेज इसका 8 से 9 नंबर का ही है, बट इसमें थ्योरी बहुत सारी है, इसलिए मैंने टाइम ज्यादा लिखा। थ्योरी के आंसर्स कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ, है ना, प्रैक्टिकल के आंसर्स कैसे लिखना है वो भी सब बताता हूँ। पहले वेटेज समझ में आया, टाइम समझ में आया आपको,
फिर टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी बता दूंगा। ये देखो, और इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं वो भी लिख लो आगे। थेरी क्वेश्चंस, TQ यानी थेरी क्वेश्चंस, PQ यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बराबर। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल्स एंड लेजर्स, रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जर्नल्स और लेजर्स की बात कर रहा हूँ। जर्नल, लेजर, सब्सिडायरी बुक्स, इसमें सब्सिडायरी बुक्स भी है, पिटी कैश बुक, कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, यस और नो, हुआ नहीं अपना? हाँ, ये वाला टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, भले मैंने आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हो बताया, भले एक बार सब्सिडायरी बुक्स के बारे में बताया था, भले लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं बताया, भले बैलेंसिंग बताया, ट्रायल बैलेंस बताया, फाइनल अकाउंट बताया, बट फिर भी स्पेसिफिकली इस टॉपिक को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। बट एक चीज़ मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, इस दोनों टॉपिक में, पहले दोनों टॉपिक में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर छोड़ दिया तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, बट हमने स्पेसिफिकली ये टॉपिक का ऐसा नाम लेकर के नहीं पढ़ा। डोंट वरी, मैं ये दोनों टॉपिक ऐसे ही समझ रहा हूँ कि अभी तक हमने पढ़े नहीं है, राइट। तो ये टॉपिक होने वाले, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर और सब्सिडरी बुक मिला के ऐसा समझो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, 5 से 6 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा लिख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्लस 4 से 5 नंबर के इसमें थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरा अंदाज आ जाएगा सिलेबस में कहां पे आपने कितना ध्यान देना है। लिखा सभी ने? इस टॉपिक के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिकल फटाफट से हो जाता है आपका, 7 to 8 hours, 7 to 8 hours, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी आएंगे। उसके बाद फिर से अकाउंटिंग प्रोसेस, टॉपिक का नाम क्या है इस बार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इस पे, रेक्टिफिकेशन के ऊपर में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो भी बच्चों ने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आज तक देखे होंगे कहीं पे, तो उनको हर 4 में से 3 एग्जाम में रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन दिखेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। ये कौन सा क्वेश्चन रहता है बताओ? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आने की संभावना 90%, हर 5 में से 3 4 एग्जाम में रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, और बगैर रेक्टिफिकेशन के आप लोग अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रख ही नहीं सकते हो। क्योंकि देखो, इंटर में भी गलतियां होती है, वहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है, फाइनल में भी जहां पे गलतियां होगी क्वेश्चंस में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। गलतियां मतलब बोला हुआ रहता है कि ये क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा था, इस साल में ये कंपनी ये गलती कर दी, तो आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। इंटर में भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा, फाउंडेशन में तो टॉपिक ही है। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 6 to 8 marks फिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हर 5 में से 4 एग्जाम में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, यस और नो, बता दो। अच्छा, इसका ऊपर वाले का टाइम नहीं लिखा क्या हमने? 2 से 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, 2 घंटे भी काफी हो गए, रेक्टिफिकेशन बोल रहा हूं ना मैं। अरे देखो ना, हमने रेक्टिफिकेशन कितने मिनट में रिवाइज किया था, पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया था, थेरी प्रैक्टिकल, थेरी गलतियों का नामकरण, बराबर है क्या, एरो प्रिंसिपल, ओमिशन और आपका कमीशन, जो प्रिंसिपल और ओमिशन नहीं है वो सब क्या है, बचा कुचा कमीशन, और अगर क्लासिफाई करना है तो क्लरिकल, और उसके बाद में आपकी अदर एरर्स, क्लरिकल एरर्स में आपका ओमिशन आ जाता था, कमीशन आ जाता था, तुम लोग क्या मजे ले रहे हो क्या रे मेरे, रेक्टिफिकेशन नहीं देखा ने मैंने अभी तक, फिर तो आपका जीवन में 50% मजा अधूरा है अभी भी, आपने देखा ही क्या जीवन में, फिर बहुत रंग देखने बाकी अभी तो। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 2 घंटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है ना, बच्चे मजाक करते रहते, इनका पूरा सिलेबस हो गया, पढ़ाई होके 2 4 रिवीजन हो गए, इन्होंने एक एक पेपर भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर लिखो, हाँ BRS के लिए लिखो बेटा, हार्डली 3 से 4 घंटा, मैं टाइमिंग अपर साइड ही लिख रहा हूँ। हाँ, BRS पढ़ा आपने? 1 घंटे में रिवाइज करोगे आप? बट फिर भी मैंने अपर साइड कितना लिखा, 3 से 4 घंटा। सर BRS में थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया क्या? कभी कभी अगर आया BRS में थ्योरी क्वेश्चन, तो ये 2 थ्योरी क्वेश्चन जनरली आने की संभावना है,
पहला शॉर्ट नोट पूछ लेते बीआरएस के ऊपर, दूसरा बीआरएस के अंदर में डिफरेंसेस की वजह पूछते हैं, डिफरेंसेस की वजह पूछते हैं, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। तो दो कॉजेस है, टाइमिंग डिफरेंस और डिफरेंसेस ड्यू टू एरर और ओमिशन। कुछ तीन चार टाइमिंग डिफरेंस के एग्जाम्पल लिख देना, बराबर है क्या? चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, यस और नो? बैंक वालों ने चार्जेस चार्ज कर दिया, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। एरर्स के भी कुछ हो सकते हैं, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, याद आ रहा है क्या कुछ? या हमने रॉन्ग अमाउंट से चेक डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो ये हमने देखा है, ये हमने कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस देखा है। मेरे ख्याल से बुक में लिखवाया होगा या फिर नोट्स के अंदर में मार्क करवाया होगा, मॉड्यूल के अंदर में, दोनों भी है। इन्वेंटरी के ऊपर 6 to 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आने वाला है। अच्छा, बीआरएस के ऊपर मैंने 6 to 8 लिखा, लास्ट एग्जाम उसके पहले के एग्जाम 10 10 नंबर के बीआरएस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 10 10 मार्क्स के, और बच्चे ऐसे खुश हो गए थे ना, अपने जो बच्चे थे, पहले तो डेस्क बेंच पे एक बार खड़े होकर नाच लेना, क्योंकि श्योर शॉर्ट 10 नंबर जाने ही नहीं है। मतलब कितना भी मूर्ख बच्चा रहा तो भी वो बीआरएस में अगर उसने स्टेप्स फॉलो करी तो कर पाएगा क्या आराम से, यस और नो? तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप देखोगे पिछले एग्जाम का पेपर उठा के, तो इसलिए मैंने 6 to 8 ही लिखा है यहाँ पे, आता है। ऐसा समझो हर 5 में से 4 एग्जाम या 5 में से 5 एग्जाम में बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बीआरएस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, रियल लाइफ में यूज होता है। जब तक कैश और आपका कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होता, तब तक ऑडिट शुरू ही नहीं हो सकता। सो जब कभी भी आप आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, किसी फर्म का या कंपनी का ऑडिट करोगे, तो सबसे पहली चीज आप उनको पूछोगे कि भैया आपका पासबुक और आपका कैश बुक टैली है क्या? टैली पहले करके लेके आओ, वो आपका काम नहीं है, ऑडिटर का काम नहीं है टैली करना। मुझे एक बात बताओ, आप उसी पेशेंट को चेक कर पाओगे जब पेशेंट सही सलामत आपके पास आएगा? तो आपके पास सही सलामत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं आए तो आप ऑडिट कर पाओगे क्या? इसीलिए सबसे पहले आप क्या बोलोगे, भैया आपका जो बैंक में जो बैलेंस है उतना ही बैलेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखना चाहिए। बैंक का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैंक अकाउंट में दिख रहा है 31 मार्च को 10 लाख, और एक्चुअल में बैंक अकाउंट में दिख रहा है 9 लाख, मैं क्या ऑडिट करूं? पहले जाकर के आपका कैश बुक और पासबुक टैली करके लेके आओ, उसके बाद ऑडिट स्टार्ट होगा। इसीलिए बगैर बीआरएस के ऑडिट शुरू ही नहीं होता है। एंड बीआरएस बनाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्लाइंट, या फिर जिस किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस कंपनी का अकाउंटिंग का काम हाथ में लिया होगा, उसकी जिम्मेदारी है। जो ऑडिटर है उसकी जिम्मेदारी नहीं है बीआरएस बनाना, ऑडिटर का काम है चेक करना। और लड़कियां लोग ऑडिटिंग का काम बहुत अच्छे से करती है, इसलिए बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म में ना मैक्सिमम आपको देखना फीमेल कैंडिडेट दिखेगी जो फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लड़कियां गलतियां बहुत अच्छे से निकाल सकती है ना, है ये काम तुमने सही किया ही नहीं, ये तो मजा ही नहीं आया, है ना? और ऑडिट के अंदर में होता क्या है, ऑडिट में करना कुछ नहीं है, बस कैसा होना चाहिए था और कैसा हो गया, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था, बच्चे की तो करना है। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको अकाउंटिंग करना है क्या? नो, दूसरे की हुई अकाउंटिंग को चेक करना है, बराबर है? और उसके ऊपर ओपिनियन देना है, उसमें तो हम माहिर है, ओपिनियन हम आराम से देंगे। नो नो, एज पर माई ओपिनियन बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट शोइंग, नॉट एट ऑल शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यस और नो? हाँ, रीजन भी देना पड़ेगा आपको, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, यस और नो? आ जाओ, तो बीआरएस ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री का टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री के अंदर में खास करके रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, इन्वेंट्री अपना हुआ नहीं अभी तक के, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन मतलब कैसा है कि आपको आगे की डेट की इन्वेंट्री देते हैं और पीछे के डेट की इन्वेंट्री पूछते हैं, और मैक्सिमम बच्चे फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन करके चले जाते हैं, इजी इजी फीफो लिफो, ये कुछ आता नहीं है पेपर में ज्यादा। इन्वेंट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बता दे बेटा, रिवर्स वाले, जैसे आपको बोल दिया कि साल खत्म हो गया 31 मार्च को, और क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, ये छुट्टी पे था, वो छुट्टी पे था, डायरेक्टर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इन्वेंट्री कब लिया इन्होंने 15 अप्रैल को, और साल कब खत्म हुआ 31 मार्च को, तो आपको 15 अप्रैल की इन्वेंट्री की पोजीशन दिया हुआ है, और बोलो कौन सी पूछी रहेगी 31 मार्च को। अब तुम बताओ, जब मैं माल खरीदता हूं तो माल बढ़ता है, माल बेचता हूं तो माल कम होता है, अब यहां पे आगे जाना है पीछे जाना है, पीछे, तो परचेस क्या होगा माइनस, और सेल क्या होगा प्लस। अब इस डेट का दिया हुआ है और इस डेट का निकालना है तो पीछे पीछे जाना है ना, तो इस दौरान जो भी परचेस किया होगा वो माइनस करना है, इस दौरान जो सेल किया है, और आगे जाना है तो परचेस प्लस करो, सेल माइनस करो, समझ में आया क्या? तो ये रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती, और बच्चे इन्वेंटरी में क्या करते, इजी इजी क्वेश्चन करके चले जाते। बच्चे मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते ही नहीं, मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस में 4 चौकड़ी दी है इन्वेंटरी की, 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है,
एकदम अति सुंदर, मतलब ऐसा कि ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड। बढ़िया क्वेश्चंस है, चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉल्व सम में दो क्वेश्चन बहुत अच्छे, ये छह क्वेश्चन किसी ने अच्छे से कर लिए तो इन्वेंट्री टॉपिक पूरा हाथ में। सेल प्रैक्टिस के क्वेश्चन से आता है इन्वेंट्री के अंदर में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रिवर्स कैलकुलेशन वाले। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के ऊपर 5 to 10 मार्क्स, कभी 5 मार्क, कभी 10 मार्क, कभी 4 मार्क, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इन्वेंट्री के लिए आपको टाइम लगना चाहिए अगेन 3 से 4 घंटे। एक बार अगर आपका क्लास हो जाता है, एक बार आप मेरे पास अगर इधर पढ़ लेते हो तो उसके बाद में घर पे 3 से 4 घंटे में हो जाना चाहिए, है ना। कोई अगर फटाफट से थोड़ा सा स्पीड से करे, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, तो जितने भी मैं टाइम लिख रहा हूँ सब में तुम्हें काम करना 30-30% कम कर देना, तो उतने समय में उसका पूरा सिलेबस हो जाएगा। कंडीशन एक ही है, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते समय बहुत अच्छा होना चाहिए। आप दिन भर किताब खोल के बैठे हो, है ना, और कुछ नहीं हुआ, एक पन्ना हुआ, वैसा वाला नहीं। किताब जब आप खोल देते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वही होना चाहिए, ध्यान इधर उधर बैक ऑफ द माइंड में नहीं। अकाउंट चालू किया था यार, मैथ्स का बहुत टेंशन आ रहा है, इंडाइसेस लॉक के एंड लॉक कैसे होगा, क्या करना, और मैथ्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स का टेंशन आ रहा है, अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो लॉ ध्यान में आ रहा है। नो, जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपके जीवन में सिर्फ अकाउंट्स ही है, बाकी और कुछ नहीं है। जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो जीवन में मैथ्स है। बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, अकाउंट्स पढ़ते समय दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, वैसा नहीं करना। दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी क्या? नो। अकाउंट्स की होगी क्या? नो। अरे अकाउंट्स पढ़ते समय दूसरे सब्जेक्ट का सोच रहे हो तो वो भी नहीं होगा और अकाउंट्स भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फेल हो जाता बच्चा, वैसा होता है। तो है ना, एक जगह पे रहो, है ना, बी हियर नाउ, ऐसा अपने आपको बोलना, बी हियर नाउ, अभी जहाँ पे है वहाँ पे रहो। उसके बाद 5 to 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा इस पे, डिप्रिसिएशन पे। थ्योरी क्वेश्चन डिप्रिसिएशन पे आने की संभावना कम है। अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछा तो एक ही क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, याद आए हमने डिस्कस किया था उसमें, एक 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 पॉइंट पे कितना लंबा चौड़ा डिस्कशन चला था अपना। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, बच्चों ने सवाल पूछा था सर डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, फिर वो फंड्स कैसे प्रोवाइड करता है? अरे सेट अपार्ट, डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम होता है लेकिन कैश कम नहीं होती, तो हर बार आपके प्रॉफिट के कंपेरिजन में आपका कैश का बैलेंस ज्यादा दिखेगा, और वो ज्यादा का कैश बैलेंस ऐसा हर साल दिखते रहेगा, और एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट उस ज्यादा के कैश बैलेंस से हम लोग नई असेट लेके आ जाएंगे। हो गया, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कुछ याद आया क्या? तो डिप्रिसिएशन के ऊपर आया तो वो एक क्वेश्चन लिख करके रख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, यस और नो, आप साइड में लिख लेना, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। आया तो थ्योरी क्वेश्चन, बट चांसेस क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। इसके लिए समय कितना लगना चाहिए आपको? हार्डली 3 घंटा डिप्रिसिएशन के लिए, है ना, सेफर साइड चलो 3 से 4 घंटा लिख देता हूँ। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ध्यान से सुनना, इसके लिए एक क्वेश्चन आएगा 4 to 6 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट, 4 to 6 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट, कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी दोनों में से एक आया तो एक ही क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का आएगा, दोनों आ गए तो दोनों 4-4 नंबर के आएंगे, दोनों में से एक ही आ गया तो एक ही क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का आ जाएगा, आ सकता है, आ सकता है। वैसा तो बड़ा वाला एक क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पे सेट हो सकता है, समझ में आया क्या? एक बड़ा क्वेश्चन तो बीआरएस पे भी, रेक्टिफिकेशन पे भी आ जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन है ना कोई तो एक टॉपिक पे आता है, यस और नो। अब वो पता नहीं, वो प्रेसिडेंट का लड़का भी अगर एग्जाम दे रहा है तो उसको भी मालूम नहीं रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बराबर है। बट आपका पेपर रहेगा इसी लाइन में, ऐसा नहीं कि इससे एकदम अपोजिट आएगा, 80% ऐसे ही रहेगा पेपर, 70 से 80%। बट आप अगर पूछोगे सर क्वेश्चन और उसके अंदर के एडजस्टमेंट भी बता दो, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो हमने सारी एडजस्टमेंट्स कवर की है क्लास में बस, और साथों साथ आपको हर बार समय समय पर हमने रिवाइज भी किया है, एक बार वापस रिविजन करेंगे अभी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं जो रिविजन लूंगा ना वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, प्रॉपर रिविजन में फालतू बकचोदी रहेगी नहीं, रिवीजन के अंदर में जो भी रहेगा एकदम जो जैसे मुद्दे सूत, ये ऐसा आया तो ऐसा करना है, खत्म। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या करना है, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्यों करना है, रेगुलर क्लास में वाई, और एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे वॉट, है ना, बस उतना ही हम लोगों को देखना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है ना, लेजर पोस्टिंग पूछा तो भी एंट्री सोच के पोस्टिंग ही करना है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किस टाइप के क्वेश्चन करना है, वो के कतरक, याद आया क्या के कतरक? उसके बाद और कौन सा था वो दूसरा, डॉन बॉब, डॉन बॉब, बॉब वाला क्वेश्चन, कतरक का क्वेश्चन, और कौन सा था, एक अकोमोडेशन बिल का बड़ा वाला क्वेश्चन था, याद आया क्या? है ना, ये दो तीन क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के अंदर में सेल प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व में थे, बराबर है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात आई तो ये कर लेना जरूर, एक फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, बराबर है। शॉर्ट नोट में भी यही लिख देते लोग, हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स वगैरह दिया है ना, डेफिनेशन नहीं शॉर्ट नोट्स, तो उसमें भी फीचर्स ही उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हुए, ठीक है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए समय कितना लगना चाहिए? अब यार देखो, वैसे देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में सारी एंट्रीज ही है। अब अगर किसी बच्चे का बेसिक नहीं हुआ है तो उसके लिए तो 10 घंटे भी कम है, और जिसका बेसिक हो गया है, एंट्रीज कैसे पास करते हुए आता है, तो हार्डली वो 2 से 3 घंटे में कर लेगा क्या? यस और नो? आपने देखा इसमें एंट्री के अलावा और क्या था? याद करो पूरा टॉपिक। एंट्री के अलावा सिर्फ एक कैलकुलेशन था, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, हमने देख लिया था ना, एट प्रेजेंट ऑन साइट, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो 0 डेज ग्रेस पीरियड, अदरवाइज 3 दिन का ग्रेस पीरियड, आफ्टर प्रेजेंटमेंट है, आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से डेट काउंट करना है, अदरवाइज डेट ऑफ ड्रॉइंग से काउंट करना है, येस और नो? डेज बोला तो डेज में काउंट करेंगे, मंथ बोला तो मंथ में काउंट करेंगे, और कुछ था इसमें? ऐसी कुछ था, तो वो ही कैलकुलेशन है, बाकी पूरे टॉपिक में एंट्रीज भरी पड़ी है, क्लियर पक्की बात। और हमने एक बड़ा सा चार्ट सबसे पहले एंट्री का बनाया था जिसमें सारी एंट्रीज कवर हो गई थी, तो वो आपने अच्छे से देखना है। और ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखवा के दिए, बगैर देखे फटाफट से 10-10 मिनट में भी सॉल्व कर लोगे, 15-15 मिनट में सॉल्व कर दोगे, तो भी आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा क्या? देखो करने वाले के लिए ना, तो वो तो हफ्ते मुत्ते कहीं पे कुछ भी सॉल्व कर ले, सोच के 2 मिनट में भी वो हो जाएगा टॉपिक सॉल्व। अगर आपके पास काफी बार है ना, कुछ बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो फोन लेके जाते हैं साथ में, तो मैं बोलूँ फोन में लिंक ओपन करके कुछ देखने से अच्छा ये देखो ना, पीडीएफ फाइल देख लो, समझ में आया क्या? फटाफट से तुम्हारा थेरी प्रैक्टिकल, तुमको ऐसे समय चुराना होगा कि देखिए यार ये मैंने यहाँ पे ना एक्स्ट्रा समय, बाकी जब बच्चे उस समय टाइम पास कर रहे थे उस समय, अभी आपको समय मिल गया 15 मिनट का, चलो यार केक अदरक का बॉब का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, डिप्रिसिएशन का सेल प्रैक्टिस का सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते, याद आया क्या? चलो समय मिला तो एक काम कर लेते, अपना कंसाइनमेंट का एक क्वेश्चन देख लेते। तो ऐसे होशियारी से आपको समय से समय चुरा के एक 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 क्वेश्चन खत्म करना होगा। बाकी बच्चों के लिए ये एक क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए ये एक जिंदगी या पूरा टॉपिक है। तुम बताओ ये 3 क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज 80% टॉपिक कवर नहीं होता है क्या आपका? हो जाता है, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा तुमको समय से समय चुरा के पढ़ना होगा। तुम अगर सोचोगे कि मैं एक बार का सब सेट हो जाए उसके बाद में पढ़ाई चालू करूंगा, तो वो तो राहुल गांधी का भी नहीं हो रहा है। सब सेट हो रहा है क्या? अगर वो सोचेगा एक बार का सब सेट हो जाए फिर उसके बाद, तो सेट कोई भी नहीं है तुमको। तुम अगर ऐसे सब सेटल होने के बाद करूंगा तो जीवन में परेशानियां, तकलीफ, भूख, प्यास और साथों साथ पढ़ाई, सब साथ में चलने वाला है, तो तुम्हारा सेटल डाउन कभी वैसे होने वाला नहीं मरते दम तक। तुमको चीजें साथ में ही मैनेज करनी होगी। अभी तुम कर रहे हो, अभी 2 लेक्चर के बीच में एक ब्रेक है, चल 5 मिनट का टाइम है, चल निकाल रहे भैया मैथ्स के 10 MCQ सॉल्व कर ले फटाफट से। चलो बीच में 10 मिनट का ब्रेक है, कुछ चाय पीने के लिए गए साथ में, पीडीएफ फाइल ओपन कर, चलते चलते बात करते करते, चल थेरी के पॉइंट्स तू बता, हाँ चल तू बता दे यहाँ पे कॉजेस ऑफ डिफरेंस BRS के अंदर में, हाँ चल तू बता दे कि कंसाइनमेंट के अंदर में कौन कौन से टाइप के कमीशन रहते हैं। ऐसे तुमको होशियारी से पढ़ाई करना होगा, मतलब तुमको बाकी दुनिया वालों की तरफ नहीं देखना है। तुम्हारा ग्रुप बना लिया, खाली टाइम पे नीचे चाय पीने गए, नाश्ता करने गए, अपनी बात करो, 4 लोग देखने के बाद उनका रॉकेट हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब सीधी पिछवाड़े में आग लगनी चाहिए, तो समझ जाओ कि तुम कुछ लाइफ में कर रहे हो। नहीं तो बाकी सब लोग भी टाइम पास कर रहे हैं, तुम भी ऊपर कैरिडोर में जाके टाइम पास कर रहे हैं, वो चाय पी रहे, तुम चाय पी रहे, एक दूसरे को देख के वापस आए, तो तुम्हारा माइंड में कितना डाइवर्जन हो गया, और वो डाइवर्जन खत्म करते करते और 15-20 मिनट जाते हैं। तुम मूवी खत्म होते ही तुरंत अगले आधे घंटे में पढ़ाई कर सकते हो क्या? नो, क्योंकि पूरी माइंड की मदर सिस्टर रोई हुई रहती है उस समय, तुम पढ़ नहीं सकते। मूवी खत्म होती 15 मिनट में, कोई मुझे पढ़ के बताओ कि अभी मूवी खत्म हुई और 15 मिनट बाद तुम पढ़ाई करने बैठ रहे? नो, माइंड में पूरी मूवी चलती रहती है, और तुम रोज मूवी देखने ऊपर जाते हो कैरिडोर में, बराबर है क्या? ऊपर के कैरिडोर में जाते, नीचे तो कोई आता नहीं है, नीचे कोई आते ही नहीं ना बच्चे ज्यादा, तो तुम कहाँ जाते हो? वो ऊपर वाले कैरिडोर में। तो तुम्हारे माइंड के अंदर में ऐसे डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते रहते हो। तो मेरा बोलना है तुम ऊपर भी जा रहे हो ना, आपस में बात करो कि ये चल थेरी क्वेश्चन, तुमने रोज के 10 क्वेश्चन भी ऐसे निपटा दिए ना, तुम्हारे 1 महीने में 300 थेरी क्वेश्चन खत्म होते, 1 महीने में 300 होते कि नहीं होते? क्लियर है? 10 क्वेश्चन क्या ही टाइम जा रहा बता मुझे, 10 क्वेश्चन में कितना टाइम जाता, डिस्कस ही तो करना है। चल फटाफट से पॉइंट बता, और जिसको आंसर नहीं आएगा वो चाय पिलाएगा अभी के, खत्म।
जिसको आंसर नहीं आएगा दोनों में वो चाय पिलाएगा, दोनों को आंसर आ गया, तू तेरा मैं मेरा, TTMM, वैसा भी तो कर सकते ना। तो ये थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन रखो, उसके चाय के बहाने क्या है कि इंसान पढ़ के आएगा, वो ग्रुप के अंदर में रखो, चार चार बच्चों का ग्रुप बना लो, और ग्रुप में जो कंसिस्टेंटली 3 से 4 बार फेल हो गया, नहीं आ रहा जवाब, उसको ग्रुप से बाहर कर दो, उसको बोल के जब टाइम पास करना रहेगा तब हम तेरे को बुला लेंगे, तो अभी तू जा, टाइम पास करना रहेगा तब बुला लेंगे, तो उसको ग्रुप से बायकॉट कर दो। सर ये तो गलत है, आप दोस्ती खराब कर रहे हो हमारी। अरे मैं दोस्ती नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई अच्छी कर रहा हूँ। हाँ तुम दोस्ती मत तोड़ो ना उसके साथ, उसको क्या बोलो तू टाइम पास के लिए है, तो जब हमको टाइम पास करना रहेगा तब हम तेरे को बुला लेंगे, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो तेरा कुछ काम नहीं है इसमें, तो तू जा, तू टाइम पास फ्रेंड है वैसे भी, गलत काम। मैं तो सिर्फ फैक्ट मुंह पे बोलने बोल रहा हूँ ना आपको। 4 बार अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया तुम्हारे ग्रुप में तो उसको बोल देना कि नमस्ते लंदन, हम तेरे को बाद में बुलाएंगे, जब हमको टाइम पास करना रहेगा, जब हमको मूवी जाना रहेगा तब तू आ जाना। तो वैसा करो, इसको बोलते पढ़ाई करने का स्मार्ट तरीका। देखो इसमें कहीं पे भी मैंने अभी तक के मोबाइल फोन का बताया क्या, डिस्कशन आपस में हो जाता है आराम से। तो ये थोड़ा सा करना होगा तुम्हारा, देखते देखते ना लॉ के बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन हो जाएंगे, लॉ की केस स्टडीज है तुम्हारी काफी सारी, लॉ में केस स्टडी आती है ना। हाँ चल बता रहे बेटा, ये केस है, हाँ PDF फाइल ओपन कर लिया लॉ के लिए, हाँ चल बता इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले अप्लीकेबल प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन, एग्जाम में अगर समय कम है तो पहले कंक्लूजन लिख दो, फिर अप्लीकेबल प्रोविजन, और लास्ट में लिखना फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस को सबसे कम मार्क्स होते हैं, फैक्ट ऑफ द केस को, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में जो दिया है उसी को एक्टिव का पैसिव वॉइस करके तो लिखते हो आप। सबसे ज्यादा नंबर होते हैं कंक्लूजन और अप्लीकेबल प्रोविजन को, एग्जाम में आखिरी के 5 मिनट बचे और एक केस स्टडी अगर आप लिख रहे हो तो फैक्ट ऑफ द केस मत लिखते बैठना, कंक्लूजन पहले लिखना, फिर अप्लीकेबल प्रोविजन लिखना, और लास्ट में लिखना फैक्ट ऑफ द केस। समझ में आया क्या? स्मार्ट वर्क, वो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा। मैं तो पहले क्वेश्चन से ही कंक्लूजन पहले लिखता था, चाहे फाइनल का लॉ हो, चाहे इंटर का लॉ हो, चाहे CS का लॉ हो, CS फाइनल का लॉ हो, मैं कंक्लूजन पहले लिखता था। उसके बाद अपना काम कैसा है, डायरेक्ट पहले काम की बात, नो बकवास, पहले काम की बात कंक्लूजन लिख दिया, फिर उसके बाद में लिखा अप्लीकेबल प्रोविजन, और लास्ट में लिख दिया फैक्ट ऑफ द केस। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लोग बोलते नहीं चलता, ऐसे कैसे चलता, हजारों बच्चे लिख रहे हैं, हर एग्जाम में लिख रहे हैं, यस और नो। और अगर समय बहुत है आपके पास तो प्रॉपरली लिख लो अप्लीकेबल प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस, और लास्ट में लिखो कंक्लूजन, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको थ्योरी क्वेश्चन के अंदर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस जिस कलर के पेन से आप लिख रहे हो उसी कलर के पेन से अंडरलाइन कर दो। मतलब एग्जामिनर का आंसर को देखते ही उसको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा, मतलब आपने कितना आसान कर दिया उसके लिए, उसने आंसर पे एक नजर घुमाई, सारा आंसर उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 2 सेकंड में समझ में आ गया, क्योंकि आपने कीवर्ड सब अंडरलाइन करके रख दिए ना, लिखते लिखते ही फट से अंडरलाइन कर देना ना यार, लिखते लिखते ही अंडरलाइन कर देना, अलग से टाइम नहीं जाता उसके लिए, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, तो फटाफट से आपको नंबर मिलेंगे। एकदम ऐसे फॉर्म में आंसर नहीं लिखना, मॉड्यूल में सजेस्टेड आंसर्स में ऐसे फॉर्म में आंसर्स है वैसे आंसर्स नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना। आई रिपीट, मॉड्यूल में सजेस्टेड आंसर्स में ऐसे फॉर्म में आंसर है, पैराग्राफ वैसे मत लिखो, आप टू द पॉइंट लिखो, डायग्राम बना करके लिख दो आंसर, ऐसा एक गोला बना दिया सूरज और उसके चार पांच रेज निकाल दी, चार पांच पॉइंट लिख दो, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आंसर लिखा तो भी चलेगा, कलर एक ही यूज करना है पेन, यस और नो, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, जहां समय मिल गया फट से चल, अभी समय मिला ये कर लो, अभी वो मिला, तो हर पल आपके दिमाग में ये होना चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें। चीज नंबर 1, कितनी पढ़ाई हो गई है मेरी, चीज नंबर 2, कितनी बाकी है, चीज नंबर 3, और जो बाकी है वो आप कब तक और कैसे करने वाले हो, खत्म। ये 3 सवाल हर घंटे में आपसे अपने आप से पूछते रहना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा ही नहीं, समझ में आया क्या? सिंपल है, बच्चे क्या बोलते, अब मैं पढ़ाई चालू करूंगा आप सब बंद। अरे क्या बंद, बंद होता है कैसे, कभी सब चालू रहता है, पढ़ाई भी चालू रखनी पड़ती है, सब एक साथ में, समझ में आया, ऐसा कुछ करो। हाँ आ जाओ, कंसाइनमेंट के अंदर में कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको, अगेन 4 to 6 मार्क। देखो ये दोनों टॉपिक मैंने डब्बे में डाल दिए, कभी कभी क्या होता है कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों में से एक ही टॉपिक के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो दूसरा नहीं आता है, दोनों के ऊपर पूछना है तो 4-6 4-6 नंबर के लिए, 5-6 5-6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है। आ जा, कंसाइनमेंट के अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, अगर इसमें थ्योरी क्वेश्चन आया तो क्या आएगा, शॉर्ट नोट ऑन SN, मतलब शॉर्ट नोट ऑन कमीशन, यस और नो, शॉर्ट नोट ऑन कमीशन, शॉर्ट नोट ऑन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट नोट ऑन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस,
या शॉर्ट नोट ऑन कंसाइनमेंट, है ना? कंसाइनमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आई तो सब लिख देना, कंसाइनमेंट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर बाय द कंसाइनी। बदले में कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन। फिर नीचे लिख देना कमीशन में भी डेलीगेट ईयर ऑर्डनरी, अपना सबसे पहले ऑर्डनरी, फिर ओवरराइडिंग, लास्ट वाला डेलीगेट ईयर, तीनों कमीशन का मतलब भी लिख देना एक एक लाइन में। फिर उसमें ये लिख देना पार्टी कौन कौन रहती है, कंसाइनर कंसाइनी। फिर उसके बाद ये लिख देना डिपॉजिट नाम की कोई चीज होती है क्या, यस डिपॉजिट वाला पॉइंट। कंसाइनी कंसाइनर को जनरली डिपॉजिट पे करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज कंसाइनर सेंडिंग, एज कंसाइनर सेंडिंग गुड्स टू द कंसाइनी, यस और नो। फिर उसके बाद कमीशन तो हमने ऊपर लिख दिया, डिपॉजिट हो गया, कमीशन हो गया। देन लिख देना एक्सपेंस, एक्सपेंस में भी इनकर्ड बाय द कंसाइनर और बाय द कंसाइनी। इफ कंसाइनी इनकर्ड द एक्सपेंस, कंसाइनर विल रिएम्बर्स द सेम टू द कंसाइनी। खत्म। समझ में आया क्या? कंसाइनमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आए तो लिखवा के दिए बेटा सारी चीजें। तो ये थ्योरी क्वेश्चन आए तो इसी में से कोई तो एक थ्योरी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ना, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके लिए अगेन आपको 2 से 3 घंटे के ऊपर का समय नहीं लगेगा। बताओ कंसाइनमेंट में सबसे ज्यादा काम की चीज क्या है? एच शेप फॉर्मेट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और कुछ है ही नहीं इसमें। कंसाइनमेंट में मेजर जो बच्चों को डर लगता है, जो गलतियां होती है और जो बच्चों को डर लगता है, वो आपके लिए इस ब्रह्मांड की सबसे आसान चीज है। क्या रब से एच शेप फॉर्मेट बनाया, पूरी क्वेश्चन की स्टोरी लिख दिया, एंसर टैली मॉड्यूल के अंदर में हर क्वेश्चन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से किए हुआ। मतलब बच्चे को एक बार इधर से थप्पड़ मार रहे, वो इधर देखता है हाथ इधर से आ रहा है, पीछे से दूसरा हाथ आता है, इधर देखता है इधर से तीसरा। मतलब मॉड्यूल में हर क्वेश्चन में इन्वेंटरी वैल्यूएशन वो गलत है। बाकी मॉड्यूल की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बट कुछ कुछ जगह पे इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि एक एक सिक्वेंस, एक लय फॉलो करना चाहिए ना, नहीं तो तुम हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करो, बच्चा समझेगा कैसे? सेल्फ प्रैक्टिस वाला बच्चा तो ऑप्शन ही छोड़ देगा उसको। इसलिए कंसाइनमेंट का इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमने हर बार एक ही तरीके से सॉल्व किया और सबसे सिंपलेस्ट वे, और हमने हर बार चेक किया आंसर बरोबर मैच होता है कि नहीं। तो बस वो वैल्यूएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसमें भी 2 कॉलम बनाए थे हमने, एक आईपी का और एक कॉस्ट का, और आखिरी में डिफरेंस क्या निकल रहा था? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कंसाइनमेंट के डेबिट में, कंसाइनमेंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, क्लियर? तो वो वाला क्वेश्चन याद से करना जिसमें आईपी और कॉस्ट के दोनों कॉलम हमने बनाए हुए थे, राइट? उसके बाद एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट ये ऐसा समझो कि आया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50% चांसेस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 घंटे के ऊपर आपका समय नहीं जाएगा, मैंने 1 घंटा बहुत ज्यादा बोला, 15 मिनट बस, बट फिर भी सेफर साइड 1 घंटा लिख दिया। एडीडी अकाउंट करंट आया तो 4 मार्क्स के लिए, है ना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थेरी क्वेश्चन इसमें आया तो रेड इंक इंटरेस्ट आता है, रेड इंक इंटरेस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट, इसमें भी 1 से 1.5 घंटा। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न आधा घंटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैसे आधा घंटा नहीं, 5 ही मिनट का काम है, बट मैंने लिख दिया आधा घंटा। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, 3 मेथड है, 3 मेथड से इसमें अकाउंटिंग करना है। सर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस मतलब, ये वृंदा मेरे दुकान पे ही, मेरा टीवी बेचने का काम है। वृंदा बोली कि सर टीवी चाहिए, मतलब ओके ये ले, लेके जा। बोली सर रुको, टीवी अगर मेरे हस्बैंड को पसंद आई तो मैं रखूंगी, नहीं तो वापस कर दूंगी। मतलब मैंने बोला अच्छा तू ये चाहती है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अगर पसंद आया, अगर उसने अप्रूव कर दिया तो तू रखेगी, नहीं तो तू मुझे वापस कर देगी। तो इस टाइप के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। उसके बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के लिए ऐसा समझो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है। एनपीओ के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फाइनल अकाउंट 8 से 10 नंबर, एनपीओ 8 से 10 नंबर, कभी कभी फाइनल अकाउंट 10 के ऊपर भी आ जाता है ना? बट फाइनल अकाउंट में सबसे ज्यादा जरूरी, हमने जो सॉल्व और सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, सारे तोफ क्वेश्चन थे, सेल्फ प्रैक्टिस वाला सबसे इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा याद आया क्या? तोफ थे, 8 8 9 9 एडजस्टमेंट थे, फर्स्ट वाला भी था ना, तो बस वो क्वेश्चन छोड़ना मत, सेल्फ प्रैक्टिस वाला। सॉल्व सम बहुत ईजी है, सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर में जो है एडजस्टमेंट सारी कवर्ड है, और एक सॉल्व भी अच्छा था इसमें तो, फाइनल अकाउंट में है ना 6 12 कुछ तो। तो देखो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फाइनल अकाउंट को आपको समय लगना चाहिए ऐसा समझो कि 4 घंटा, क्योंकि इसमें आपको 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बरोबर है? 4 घंटा लगना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। एनपीओ में ऐसा समझो कि आपको करीब करीब 4 से 5 घंटे लगने चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है ना? पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के लिए आपको समय लगेगा हार्डली 2 घंटा,
गुडविल के लिए हार्डली 2 घंटा, एडमिशन 4 घंटा, रिटायरमेंट डेथ हार्डली 2 घंटा। सर दोनों भी, हाँ मैं बता रहा हूँ, दोनों में कॉमन है मैक्सिमम चीजें, इसलिए मैंने जानबूझ के कम समय लिखा है। अब सर ये पूरे पार्टनरशिप के ऊपर 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार 20 नंबर के ना, डेथ था, इसलिए मैंने पूरा पार्टनरशिप टॉपिक लिख दिया। 15 से 18 नंबर आता ही है। और पार्टनरशिप अब तक जो हमने देखा वो इजी लग रहा है ना आपको, इंट्रोडक्शन मैंने देखा, गुडविल देखा और एडमिशन देखा, एडमिशन चल रहा है, उसके बाद कंपनी का शेयर्स, शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे 6 से 8 नंबर के, डिबेंचर के ऊपर 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन, और इसके लिए टाइम लगना चाहिए आपको, जब आप खुद से होगे घर पे करोगे तो करीब करीब 4 घंटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको डिबेंचर के लिए 3 घंटे लगेंगे, और इसके ऊपर आएगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, शेयर्स के अंदर में थेरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस क्या है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, 5 यूजेस है सिक्योरिटी प्रीमियम के, देखेंगे आने वाले संडे को। उसके बाद में फीचर्स ऑफ द कंपनी पूछ सकते हैं, अगर पूछा तो चांसेस कम है, अकाउंट्स में जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कौन सा आता है यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, प्रो रेटा का आता है ना, जनरली एक क्वेश्चन उसके ऊपर रहता है। अभी तक हमने पढ़ा है क्या प्रो रेटा? नो। इसके मार्क्स, मार्क्स लिखो ही मत, कभी कभी 4 मार्क, कभी कभी, हर एग्जाम में आता भी नहीं है, के एवरेज ड्यूटेड भी के, ये भी के, कभी कभी, यानी 10 में से 4 एग्जाम में आता है, 10 में से 3 हो सकता है आपके नसीब आप ही के एग्जाम में आ जाए, पर ये इजी टॉपिक है, एग्जाम में आ गए खुश हो जाना, बहुत इजी। ये लिखा सभी ने पक्का? चलो आवर्स काउंट करो तो, ले बेटा फटाफट से आवर्स काउंट कर, आप जो बोल रहे थे ना टाइम मैनेजमेंट, ले बता, 8 से 9 घंटा, हाँ 7 से 8 घंटा, चलो दोनों में से जो काउंट करो ना, कौन सा काउंट करना है, हायर, हायर काउंट करते, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 4 27, 27 4 34, 34 और 3 37, 38, 39, आधा आधा, 43, 48, 50, 52, 56, 58, 58 और 4 62, 65, 65 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट खत्म, कितना घंटा, सिर्फ 65 घंटा, हैं सोएगा नहीं क्या, कितना घंटा लग रहा है इसमें, ये सब सॉल्व करके, हाँ ये सब सॉल्व करके हायर साइड, आपको एक बार अगर आपका क्लास हो गया है ना, रिवीजन बोलो या रेगुलर बोलो कुछ भी, 65 घंटा मैंने हायर साइड बोला है बेटा, वो भी सॉल्व करके अच्छे से चीजें, बरोबर है, 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, पर जो जो मैंने सब बताया जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर्ड है वो सब सॉल्व हो सकते हैं क्या? अब तुम मुझे एक बार बताओ, 65 घंटे है और आपके एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा रहे हैं यहाँ से, बोलो तो, 4 महीने, भाई साहब 120 दिन, मैंने तो आगे के 3 और अभी के 8 दिन पकड़े ही नहीं, वैसे 130 डेज है ना टोटल, चलो ठीक है 120 दिन पकड़ते, चलो ये भी कैंसिल करो, 100 दिन ही पकड़ते, 1 महीना आप टाइम पास करने में गंवा दोगे, गंवाना मत, पर हाँ आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं रहेगा, नहीं तो अगर ऐसा आपने किया तो 100 डेज है समझ लो, है ना, 120 से 130 दिन है, वैसे तो 130 दिन है बट 100 डेज ऐसा समझ लो। अब तुम बताओ अकाउंट के लिए 65 घंटा, चलो तो अकाउंट लॉ और क्या क्या सब्जेक्ट का नाम है आपका, मैथ्स स्टैट्स हो, 3 4 सब्जेक्ट एक ही साथ है ना, मैथ्स और इको, हाँ लॉ के लिए कितना घंटा लगना चाहिए फिर, इसके लिए 65 ही पकड़ो क्या, लॉ के लिए ज्यादा लगेगा, हाँ मैथ्स 50 घंटा, शंबर
ईगो के लिए 5 घंटे, 50 घंटे, ठीक है, ये हो गया। कितने घंटे हो गए काउंट करो रे, 200, 250 और ये 315, बराबर है क्या? कितने दिन है? हाँ बोल रहे मुन्ना, हाँ क्या बात कर रहे, 2:15 बज गए। ये ले जल्दी से रख दे, तुरंत सब पैकअप कर ले। हाँ कितने घंटे हो गए टोटल? 315 घंटे। और दिन कितने बचे थे? मैंने तुम्हारा दिवाली, दसरा, ये वो सब माइनस कर दिया इसमें, ठीक है। वैसे आपको छुट्टी है नहीं, हर दिन कितना घंटा पढ़ना है आपको? मिनिमम 3 घंटा, 3.25 घंटा भी पढ़ लिया तो भी चलेगा क्या? हर दिन 3.5 घंटा अगर आपने पढ़ाई किया तो भी आपका मेरिट आ सकता है क्या? सिर्फ तकलीफ ये है कि 3.5 घंटा हर कोई पढ़ता नहीं। नहीं, 1 सेकेंड, बुक सामने खुली रखना या पढ़ाई के बारे में सोचना या बैग लेके इधर उधर टालम टोली करना, उसको पढ़ाई करना नहीं बोलते। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बैठ के उसको समझा रहा, ये इसको समझा रहा, गुल्लू गुल्लू कर रहे, फिर उसके बाद दोनों बातें शाते कर रहे, चाय पीने गए तो 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई फुल कंसंट्रेशन के साथ, इफेक्टिव ओवर 3.5 घंटा। और ऑन एन एवरेज एक सीए स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ता है, 7-8 घंटे वो पढ़ सकता है। तुम्हारे जीवन में है ही क्या रे काम? गिनती के 4 घंटे क्लास रहते फाउंडेशन के तुम्हारे, 4 घंटे के बाद में तुम पूरे 20 घंटे खाली तो नहीं खाली हो? अच्छा ट्रैवलिंग करते हो क्या तुम? ट्रैवलिंग करते समय एक काम करना, जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो ना लॉ की, वो लॉ की जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हारी थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही तुम जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हो लॉ का, वो रिकॉर्ड कर लो ना। अरे फोन की रिकॉर्डिंग ही तो चालू करना है, कौन सा अलग मैंने दे गया? स्मार्टफोन है सबके पास में, बट सब डम पैसा ले, स्मार्टफोन ही स्मार्ट है। अरे तुम वो लॉ की रिकॉर्डिंग करो ना तुम्हारी खुद की। हाँ देख रहे आइक, हाँ ये पॉइंट, ये क्वेश्चन में ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, पूरा ऐसा जो भी तुम लॉ का पढ़ रहे हो। और फिर जब ट्रैवलिंग में कान में हेडफोन घुसा दिया और अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, रिकॉल करा, मैं आपको बोलने वाला था कि ट्रैवलिंग में तुम बुक्स पढ़ लो, फिर बच्चे बोलेंगे और सर बस में जगह नहीं रहती, खड़े खड़े जाते, ऐसे जाते, हेडफोन तो लगा ही सकते ना, यस और नो? तो तुम्हारा सेकेंड रिविजन थर्ड रिविजन हो जाएगा क्या आराम से? तुमको पढ़ाई करना है मतलब उसमें रिवाइज भी तो करना है, तो तुम्हारा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर कभी गलती से बस में जगह मिल गई तो फोन में पीडीएफ फाइल ओपन करके रख दो, तुम लॉ की प्रोविजंस तो सारी पढ़ सकते हो, लॉ तो तुम्हारा हो ही जाएगा। चलो इकोनॉमिक्स में एक बार का कुछ बच्चों को वो डायग्राम्स वगैरह बहुत सारी, क्या 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 सोचना है, जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है इजी, वो ट्रैवलिंग में पढ़ो। किसी को लॉ इजी लगता, किसी को इको, किसी को मैथ्स, किसी को अकाउंट्स, जो इजी लगता है और जहां पे कैल्सी पेन की जरूरत नहीं है वो सब्जेक्ट ट्रैवलिंग में पढ़ो या सुनो, सुनो पॉडकास्ट, यस और नो? तो तुम्हारा ट्रैवलिंग का टाइम हो गया यूज। टू व्हीलर वाले बच्चे ने ऐसे धंधे नहीं करना है, जो टू व्हीलर चलाता है उसने कान में हेडफोन लगा करके वो नहीं करना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस, वैसा मत करो। कोई अगर बस में ट्रैवल कर रहा है, ऑटो में ट्रैवल कर रहा है, कैब में, तो ही करना है, वैसा करना मत। टू व्हीलर वाले बच्चे ने नहीं करना है ऐसा। अब उसके पास टू व्हीलर है तो फटाफट से तूने घर जा, बीच में रास्ते में स्टॉप मत ले कहीं पे, डायरेक्ट जा, नहीं तो इधर उधर रास्ते के साइड में स्टॉप ले रहे, वैसा मत करो, ठीक है क्या? तो ये तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम यूज हो गया। बाकी तुम वॉशरूम वगैरह में जाते हो, कॉमन वॉशरूम अगर नहीं होगा तो आराम से अंदर जाने समय तो तुम फोन बुक किताब लेके जा सकते हो। सर छी कितना गंदा लगेगा, बट अब क्या है, तो है तो है सर, आप जाते थे क्या? हाँ, अभी ऑप्शन नहीं था मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं था उस समय, दोनों कोर्स चल रहे थे, मरण था मेरा तो मैं चल जाता था, कोई सब पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का है तो ज्यादा सोचना नहीं इतना। तो उस बहाने क्या है कि आपके अगर रूम पार्टनर कोई होगा तो आपकी किताबों को हाथ नहीं लगाएगा ज्यादा में ज्यादा, अच्छी बात है ना? ए भाई मेरी किताब को हाथ में लगा, किताब धो नहीं रहो, हाथ धो रहो सिर्फ। तो कैलसी भी कोई आपका लेगा नहीं, पेन आपका कोई लेगा नहीं, कोई आपका पेन ऐसा मुंह में नहीं डालेगा, समझ में आएगा? तो आपकी चीजें कितनी सेफ हो गई, सिक्योर हो गई है कि नहीं? ढवल तो ऐसे करता ना नहीं? अच्छा
अच्छा तो तू वहां पे ही यूज कर लेता वरना। तो ये समझ में आई क्या सभी को बात? अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये हर एक टॉपिक के अंदर में क्या करना है? मैंने अंदर के छोटे छोटे पॉइंट भी आपको बताया कि पहले ये करो, इसमें से छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये डुएबल है क्या? 3.5 घंटा, मैं बताऊँ तुम रोज का 8 घंटे भी निकाल सकते हैं। अभी तुम्हारा 8 घंटा क्लास और ट्रैवलिंग टाइम, इतना है भी नहीं फिर भी मैंने पकड़ लिया, ट्रैवलिंग और क्लास 8 घंटा, 8 घंटा नहाना धोना खाना पीना सोना, 7 घंटे सो जाओ, 6 7 घंटे सो जाओ, घंटा 1.5 घंटे में नहाना धोना खाना पीना, नहीं नहीं सर इतना नहीं, 10 घंटे लगते, चलो 10 घंटे नहाने धोने के लिए खाने पीने के लिए, बचे कितने फिर भी 6 घंटे, तो तुम 6 घंटे तो पढ़ ही सकते हो रोज के, ऑल इंडिया मेरिट बनाने के लिए परफेक्ट है। 600 घंटे की स्टडी किसको बोलते हैं? जहाँ तुम्हारा इसमें पूरा सिलेबस हो जाएगा 315 घंटे में, 600 आवर्स में होता है कि नहीं सब? 600 आवर्स में तो तुम सारे सब्जेक्ट की नोट्स बना के ऑथर बन जाओगे, एबीसी चौक पे बुक बिकना शुरू हो जाएगी। हाँ 600 घंटे मतलब बहुत बड़ा टाइम है, 1 घंटे की पावर को कम मत समझो, 1 घंटा मतलब 60 मिनट रहते पूरे, 600 आवर्स मतलब सीए फाइनल को भी नहीं लगते। 600 घंटा किसको बोलते हैं? डिग्री हो जाती है एक पूरी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो टाइम है ना परफेक्ट है, हमने तो हायर साइड लिया इसी को ही। तो आपको रोज क्या है, 5 6 घंटे पढ़ाई करो रोज की, 4 घंटे पढ़ाई करो, कभी कोई दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अपने आप को कोसना नहीं, डिमोटिवेट नहीं करना, अगले दिन फिर से ठीक है ना नया दिन, और उसमें भी तुम्हारी 100% पढ़ाई हो जाएगी। मान लो किसी बच्चे का 75% ही पढ़ाई हुआ, ठीक है 75% के भरोसे पेपर दे गया, समझ में आए? और हाँ एक चीज सिर्फ करना, जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, टॉपिक वन खत्म हो गया, तो इसके टेस्ट वन आप खुद ही लिखो, इसके टेस्ट टू आप खुद ही लिखो, एटलीस्ट एक तो टेस्ट लिखो हर टॉपिक पे। अब प्लीज इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के पास, आपके पास मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी है, और वो मैंने भेजा है ना रिकल, अभी तक नहीं आया क्या? 2 सेकेंड चालू रखना, 2 ही सेकेंड। हाँ मैं बाद में भूल जाता हूँ यार, मैं अभी कर रहा हूँ। ये टॉपिक खत्म होते ही करना, ये टेस्ट का आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व किए देता हूँ अभी के अभी, आपको दे रहा हूँ 2 मिनट में। उसके ऊपर जो कांटेक्ट नंबर लिखा है ना, वो कांटेक्ट नंबर वो मत यूज करना, बंद हो गया नंबर, मतलब जो है अंदर के पेजेस पे जो है बने, अरे वो विजय से अर्जेंट बेसिस पे फाइल बुलवाना पहले, वो एमआरपी एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू की अर्जेंट बुलवा तुरंत, और ये फाउंडेशन के रेगुलर वाले ग्रुप पे डाल दे आईसीआर के, ठीक है? और वो पंकज फाउंडेशन के रेगुलर वाले ग्रुप पे डाल दे एमआरपी की। अच्छा मुझे भेज वो फाइल, मैं डालता हूँ। आवाज आ रही है क्या? वो एमआरपी की जो फाइल है ना वो भेज दे मुझे, भेज मुझे। हाँ नहीं वाईफाई कॉलिंग है तो हो जाता है, अभी ध्यान देना, ये टॉपिक खत्म होते ही आपने टेस्ट करना है, ये टेस्ट देना है। अच्छा यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बादशाह, ये इजी है, ये समझ में आया तेरे को करना क्या है अभी? पक्का ऑल सेट? अब तुमको एक ही नहीं, कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर कोई एक थ्योरी क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, वो कल लास्ट के 10 मिनट में बताऊंगा, ठीक है? वो पढ़ाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा। अभी बस एक चीज बताओ, कौन कौन बच्चों को ये ऐप पे लेक्चर अकाउंट्स के देखने में तकलीफ हो रही, मतलब नहीं मिले अभी तक, बाकी सबको दिख रहे हैं ना? ठीक है बेटा सुन, अभी के 30 मिनट के अंदर में सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर वन, ये देख ये ओनली लेक्चर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, 30 मिनट से ऊपर का समय मत लगाना बेटा,
ये ओनली लेक्चर्स का ऐप डाउनलोड कर, ओनली लेक्चर्स, बस 1 2 वगैरह कुछ नहीं देना चाहिए उसके अंदर में। और उसके बाद क्या करना, पंकज मैं बच्चे को बोल दूँ ना, 1 रुपी करके रखा है ना उसका, वो एक बार चेक करके बता दे। ये किया बेटा डाउनलोड, वो एक कर लेना याद से, भूलना मत है। और ये अभी कर लेना, जो बच्चों को अकाउंट्स के लेक्चर देखने हैं वो उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। याद से क्या है अपने ग्रुप का नाम, रेगुलर फाउंडेशन, रेगुलर नवंबर 23। हाँ ये मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, ठीक है, ग्रुप पे मैंने लिंक भेजा है। और ये ऐप के अंदर में मैंने जो लिंक भेजा है ना, इसके अंदर में ये CA फाउंडेशन का, तुम्हारा जो अभी का बैच चल रहा है ना, ये बैच के सारे टॉपिक की प्रॉपर फोल्डर बना के टॉपिक वाइज रिकॉर्डिंग, बरोबर है, ये पूरी इसी फोल्डर के अंदर में है। और जो कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले रखा है, आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 30 मिनट के लिए मैंने इसकी प्राइस 1 रुपी करके रखी है। 30 मिनट के अंदर अंदर में जो बच्चों को नहीं दिख रहा है, हाँ 1 रुपी आपको पे करना होगा, ठीक है, वो 1 रुपया पे करना, वो चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसका प्राइस 5,500 हो जाएगा, ठीक है, 30 मिनट का टाइम है। उसके बाद डबल ये मैं मतलब इस ये एंटरटेन नहीं करेंगे इस इशू को, ये पहला और आखिरी, फटाफट से तुरंत में टाइम वेस्ट किए बगैर, ठीक है, ग्रुप पे लिंक भेजा हुआ मैंने। और उसके बाद प्राइस बढ़ने के बाद तुमको वापस एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, तुम्हारा 1 रुपये में ही चलते रहेगा। और पूरे लेक्चर इसी में आगे के आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, ठीक है, ओके, ऑल सेट। अब जो बच्चों को लेक्चर नहीं दिख रहा उनका इश्यू सॉल्व हो गया। जो बच्चों के पास में ICI का ऐप है वो भी उनका ऐप चेक कर लो, क्या है ICI में, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये देख लेना। 1 रुपये का इसमें पेमेंट करना होगा, ये तुम्हारा 1 रुपये ऐसा समझो मंदिर में डोनेशन जा रहा है। अरे वो विदाउट वो एनी रुपी वो ट्रांजेक्शन होता नहीं ना, इसलिए वो 1 रुपया रखा है। 1 रुपये से कम अमाउंट होती तो मैं वो रखता 10 पैसे, बट 10 पैसे होता नहीं उसमें, ठीक है। सो आपका ये बादशाह तेरा प्लानर का इशू खत्म, और ये बच्चों का हो गया बेटा पूरा सब पैकअप। चल नीचे जाए, मैं बेसमेंट में आए, बाहर जाकर के कर ले। पंकज को बोलना आधा घंटा रुक जाना, बोलना बस। हाँ डाल दिया मैंने, ग्रुप में डाल दिया, मेरे इसमें डाला, वो नंबर चेंज किया क्या विजू ने उसका, मोबाइल नंबर जो मैंने बोला था चेंज करने का, वो एक बार पूछ ले और तुरंत वो डाल दे मेरे को, डन। एक बार चेक कर लो, जिनके पास ICI का ऐप है वो भी चेक कर लेना। अपने इसी फोल्डर के अंदर में जो तुम डाउनलोड कर रहे, इसी में रिवीजन बैच आगे का रहेगा, इसी में मैराथन बैच रहेगा, इसी में आपका क्या कहते हैं इसको आगे का डिस्कशन जो है ना, वो सब इसी में ऐड होने वाला है, टॉपिक वाइज फोल्डर वाइज। फटाफट से देख लो। थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के दिन में यही विदा लेता हूँ आपसे।